स्वागत है आप लोगों का हमारे सी यूट्यूब चैनल में। तो आज हम लोग बात करेंगे भूगोल के बारे में। भूगोल जो कि आप अगर ट्वेल्थ में रखे हुए तो आपके लिए ये वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है। ये बिहार बोर्ड के द्वारा जारी किया गया मॉडल सेट है जिससे ज़्यादातर क्वेश्चन टकराए जाते हैं। तो आगे बढ़ते हैं जिसमें आप लोग साथ साथ इस क्वेश्चन का आंसर भी देते चलेंगे। जिसमें पहला नंबर प्रश्न है, नवनिश्चयवाद संकल्पना का प्रतिपादन किसने किया। नवनिश्चयवाद संकल्पना का प्रतिपादन किसने किया, तो आपको आप लोग इसका आंसर कमेंट में देंगे। तो आंसर होगा ऑप्शन सी, ग्रिफिथ टेलर। अगला प्रश्न है दूसरा नंबर, निम्नलिखित में से कौन मानव भूगोल का उपागम नहीं है। इसके साथ साथ आप लोग अपना आंसर भी देते चलेंगे, इससे आपको पता चलेगा कि आपकी तैयारी कैसी है। तो आप कमेंट में देते जाएंगे। जैसा कि आप लोगों का कमेंट आया जिसका आंसर होगा ऑप्शन डी, मात्रात्मक क्रांति। अगला प्रश्न है तीसरा नंबर, किसने कहा मानव भूगोल अस्थिर पृथ्वी और क्रियाशील मानव के बीच परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है। जिसका आंसर होगा ऑप्शन डी, एलन सी सैंपल ने कहा। अगला प्रश्न है चौथा नंबर, सैन्य भूगोल मानव भूगोल के किस क्षेत्र का उपक्षेत्र है। जिसका आंसर होगा ऑप्शन डी, राजनीतिक भूगोल का। अगला प्रश्न है पांचवा नंबर, निम्नलिखित में से कौन क्षेत्र सघन जनसंख्या वाला है। जिसका आंसर होगा ऑप्शन डी, दक्षिण पूर्व एशिया। अगला प्रश्न है छठा नंबर, निम्नलिखित में से कौन जन स्थानांतरण का प्रतिकर्ष कारक नहीं है। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, शैक्षणिक सुविधाएं। अगला प्रश्न है सातवां नंबर, जनसंख्या वृद्धि दर कहाँ सर्वाधिक है। ऑप्शन ए अफ्रीका, अफ्रीका में जनसंख्या वृद्धि दर सबसे ज़्यादा है। अगला प्रश्न है 1650 ईस्वी में विश्व की जनसंख्या कितनी थी। ऑप्शन डी 55 करोड़ विश्व की जनसंख्या थी। आप लोग इस क्वेश्चन को नोट करते चलेंगे, और यदि आप लोगों को ये पीडीएफ के रूप में चाहिए तो इसे आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। अगला प्रश्न नौवां नंबर, निम्नलिखित संख्या में कौन जनसंख्या के कार्यशील आयु वर्ग का प्रतिनिधित्व करती है। कौन सा, जिसका आंसर होगा ऑप्शन डी, 15 से 59 वर्ष के। अगला प्रश्न है दस नंबर, निम्नलिखित देशों में से किसका लिंगानुपात विश्व में सर्वाधिक है। ऑप्शन बी लेटविया का। अगला प्रश्न है ग्यारह नंबर, निम्नलिखित में से कौन मानव विकास सूचकांक का मापक है। ऑप्शन ए स्वास्थ्य, बी शिक्षा, सी संसाधन तक पहुंच, इनमें से सभी, अर्थात सभी होगा, सभी मानव विकास सूचकांक का एक मापक है। अगला प्रश्न है बारह नंबर, निम्नलिखित विद्वानों में से किसने मानव विकास सूचकांक प्रतिपादित किया। आंसर होगा ऑप्शन सी, डॉक्टर महबूब उल हक ने। अगला प्रश्न है तेरह नंबर, मानव विकास सूचकांक में विश्व के निम्नलिखित देशों में से किसकी कोटि उच्चतम है। जिसका आंसर होगा ऑप्शन ए, नॉर्वे का। चौदह नंबर होगा, फूलों की कृषि क्या कहलाती है। ऑप्शन डी पुष्पोत्पादन कहलाती है। पंद्रह नंबर,
सहकारी कृषि अधिक सफल रही। सहकारी कृषि कहाँ पर अधिक सफल रही? ऑप्शन बी, डेनमार्क में। आप लोग इसके साथ साथ आंसर भी देते जाएंगे, इससे आप लोगों को अपनी स्थिति का पता चलेगा। 16 नंबर, निम्नलिखित में से कौन रोपण फसल है? रोपण फसल कौन सा है? ऑप्शन ए, रबर। रबर एक रोपण फसल है। आप लोगों से यदि ये भी पूछा जाए कि रबर का उत्पादन सबसे ज़्यादा कहाँ होता है, ऑप्शन होगा केरल। केरला में रबर का उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है, तो रबर एक रोपण फसल है। 17 नंबर है, निम्नलिखित में से किसे कर्तन दहन कृषि भी कहते हैं? निम्नलिखित में से किसे कर्तन दहन कृषि भी कहते हैं? आंसर होगा ऑप्शन सी, आदिम निर्वाह कृषि। अगला प्रश्न है 18 नंबर, निम्नलिखित में से कौन द्वितीयक आर्थिक क्रियाकलाप है? निम्नलिखित में से कौन द्वितीयक आर्थिक क्रियाकलाप है? आंसर होगा ऑप्शन डी, लौह प्रगलन। अगला प्रश्न है 19 नंबर, निम्नलिखित में से कौन कृषि आधारित उद्योग है? निम्नलिखित में से कौन कृषि आधारित उद्योग है? ऑप्शन डी, जूट उद्योग कृषि आधारित उद्योग है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन वन आधारित उद्योग है? कौन सा वन आधारित उद्योग है? ऑप्शन ए, कागज उद्योग वन आधारित उद्योग है। अगला प्रश्न है 21 नंबर, खनन क्रियाकलाप है, खनन क्रियाकलाप किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है? ऑप्शन बी, द्वितीयक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। 22 नंबर, निम्नलिखित में से कौन पंचम क्रियाकलाप है? पंचम क्रियाकलाप कौन सा है? ऑप्शन डी, बाह्य स्रोतन। 23 नंबर, रेलमार्ग के जाल का सघनतम घनत्व है, रेलमार्ग के जाल का सघनतम घनत्व कहाँ है? ऑप्शन डी, संयुक्त राज्य अमेरिका में है। अगला प्रश्न है 24 नंबर, बृहद ट्रंक मार्ग संबंधित है, बृहद ट्रंक मार्ग संबंधित है किससे संबंधित है? ऑप्शन ए, उत्तरी अटलांटिक समुद्री मार्ग से। अगला नंबर है 25 नंबर, निम्नलिखित में से कौन आंतरिक समुद्री पतन नहीं है? आंतरिक समुद्री पतन कौन सा नहीं है? ऑप्शन सी, एथेंस। अगला प्रश्न है 26 नंबर, लेनिनग्राद किस प्रकार का पतन है? लेनिनग्राद किस प्रकार का पतन है? ऑप्शन सी, औद्योगिक पतन है। अगला प्रश्न 27 नंबर, विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है? विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय जिनेवा में है। अगला प्रश्न होगा 28 नंबर, चैनल टनल जोड़ता है, चैनल टनल किसे जोड़ता है? ऑप्शन ए, पेरिस को लंदन से जोड़ता है। अगला प्रश्न 29 नंबर, निम्नलिखित दक्षिणी अमेरिका में से कौन ओपेक का सदस्य है? निम्नलिखित दक्षिण अमेरिका में देशों में कौन ओपेक का सदस्य है? आंसर होगा ऑप्शन डी, वेनेजुएला। 30 नंबर है, लैटिन अमेरिका इंटीग्रेशन एसोसिएशन का मुख्यालय कहाँ है? आंसर होगा ऑप्शन सी, मॉन्टवीडियो में। 31 नंबर, निम्नलिखित आर्थिक क्रियाओं में कौन ग्रामीण अधिवासों से संबंधित है? कौन ग्रामीण अधिवासों से संबंधित है? ऑप्शन है प्राथमिक। 32 नंबर, निम्नलिखित में से कौन औद्योगिक नगर है? निम्नलिखित में से कौन औद्योगिक नगर है? ऑप्शन बी, पिट्सबर्ग। 33 नंबर, निम्नलिखित में से कौन इथोपिया की राजधानी है? इथोपिया की राजधानी कौन सी है? ऑप्शन सी, अदीस अबाबा। 34 नंबर, निम्नलिखित में कौन परिवहन नगर है? निम्नलिखित में से कौन परिवहन नगर है? ऑप्शन ए, सिंगापुर। 35 नंबर, निम्नलिखित में से कौन नियोजित नगर है? निम्नलिखित में से कौन नियोजित नगर है? ऑप्शन ए, कैनबरा। 36 नंबर है,
किस भाषा परिवार की जनसंख्या सबसे कम है? किस भाषा परिवार की जनसंख्या सबसे कम है? ऑप्शन डी चीनी तिब्बती की। अगला प्रश्न है 37 नंबर। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व क्या था? 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व क्या था? ऑप्शन है 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। 38 नंबर। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में किस राज्य की जनसंख्या सबसे कम है? ऑप्शन आंसर होगा ऑप्शन सी सिक्किम की। अगला प्रश्न है 39 नंबर। 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य की जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है? किस राज्य की जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है? ऑप्शन बी बिहार की। हालांकि जनसंख्या के मामले में सेकेंड स्थान पर आते हैं, पहले स्थान पर उत्तर प्रदेश आते हैं। किस राज्य में सर्वाधिक संख्या में अप्रवासी आते हैं? सर्वाधिक संख्या अप्रवासी आते हैं, आंसर होगा ऑप्शन बी महाराष्ट्र में। 41 नंबर है। भारत में पुरुष प्रवास की प्रमुख धारा ऑप्शन ए ग्रामीण से नगरीय है। 42 नंबर। मानव विकास सूचकांक में भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसकी कोटि उच्चतम है? ऑप्शन डी केरल की। 43 नंबर। निम्नलिखित केंद्र शासित प्रदेशों में किसकी साक्षरता दर उच्चतम है? ऑप्शन डी लक्षद्वीप की। 44 नंबर। निम्नलिखित नगरों में से कौन नदी तट पर अवस्थित नहीं है? ऑप्शन डी भोपाल। 45 नंबर। निम्नलिखित में से खनन नगर कौन सा है? ऑप्शन सी सिंगरौली एक खनन नगर है। अगला प्रश्न है हरित क्रांति किससे संबंधित है? ऑप्शन ए खाद्यान्न उत्पादन से संबंधित है। अगला प्रश्न है आप इस सभी प्रश्न को नोट कर लेंगे, ये आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होगा, इसलिए बार बार कह रहा हूँ। यदि आपको इसका PDF ही चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल है या डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिया गया, वहाँ से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन रेशेदार फसल कौन सा नहीं है? तो होगा ऑप्शन सी कॉफ़ी। 48 नंबर है। निम्नलिखित राज्यों में से कौन चाय का उत्पादक नहीं है? ऑप्शन डी राजस्थान चाय का उत्पादक नहीं है। अगला प्रश्न है 49 नंबर। निम्नलिखित में से कौन खाद्यान्न है? ऑप्शन सी मक्का एक खाद्यान्न फसल है। अगला प्रश्न है 50 नंबर। निम्नलिखित राज्यों में से कौन कपास का उत्पादक नहीं है? ऑप्शन डी हिमाचल प्रदेश कपास का उत्पादक नहीं है। 51 नंबर। निम्नलिखित में से कौन भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है? भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? जिसका आंसर होगा ऑप्शन बी NH-44। 52 नंबर। जल एक जैव संसाधन अनवीकरणीय संसाधन इनमें से कोई नहीं, जिसका आंसर होगा ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। 53 नंबर। केंद्र सरकार द्वारा हरियाली प्रोजेक्ट किससे संबंधित है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी जल संरक्षण से संबंधित है। 54 नंबर। निम्नलिखित में से कौन ऊर्जा का अनवीकरणीय स्रोत कौन सा है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी सौर ऊर्जा। अगला प्रश्न है 55 नंबर। हीराकुंड परियोजना कहाँ अवस्थित है? ऑप्शन ए उड़ीसा में अवस्थित है। 56 नंबर।
निम्नलिखित राज्यों में से किसमें काकरापार नाभिकीय ऊर्जा केंद्र स्थित है? किसमें? आंसर होगा ऑप्शन सी, गुजरात में। 57 नंबर, खेतरी तांबा क्षेत्र किस राज्य में स्थित? खेतरी तांबा क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन डी, राजस्थान में स्थित है। अगला प्रश्न है, बोकारो इस्पात केंद्र है, बोकारो इस्पात केंद्र कहाँ है, कौन सा है? जिसका आंसर होगा ऑप्शन सी, सार्वजनिक क्षेत्र में है। अगला प्रश्न है 59 नंबर, निम्नलिखित कोयला खादानों में से कौन झारखंड में नहीं है? कौन झारखंड में नहीं है? जिसका आंसर होगा ऑप्शन डी, सिंगरौली। अगला प्रश्न है 60 नंबर, निम्नलिखित राज्यों में से किस में प्रमुख तेल क्षेत्र स्थित है? किस में प्रमुख तेल क्षेत्र स्थित है? ऑप्शन सी, असम में। 61 नंबर, नई औद्योगिक नीति की घोषणा कब की गई? नई औद्योगिक नीति की घोषणा कब की गई? ऑप्शन बी, 1991 में। अगला प्रश्न है 62 नंबर, निम्नलिखित में से कौन औद्योगिक अवस्थापना का प्रमुख कारक है? औद्योगिक अवस्थापना का प्रमुख कारक है? ऑप्शन डी, इनमें से सभी, बाजार, पूंजी, ऊर्जा है, इनमें से सभी। अगला प्रश्न है 63 नंबर, भारत में वायु परिवहन सेवा की शुरुआत कब की गई? आंसर होगा ऑप्शन बी, 1911। अगला प्रश्न है 64 नंबर, निम्नलिखित में से कौन पूर्व मध्य रेलवे का मंडल का मुख्यालय है? कौन सा होगा? ऑप्शन डी, हाजीपुर। अगला प्रश्न है 65 नंबर, उत्तर दक्षिण गलियारा जोड़ता है, उत्तर दक्षिण गलियारा किसे जोड़ता है? ऑप्शन सी, श्रीनगर को कन्याकुमारी से। 66 नंबर, तुतिकोरिन पतन स्थित है, तुतिकोरिन पतन कहाँ स्थित है? आंसर होगा ऑप्शन बी, तमिलनाडु में स्थित है। अगला प्रश्न है 67 नंबर, अम्ल वर्षा का कारण है, अम्ल वर्षा का कारण क्या है? ऑप्शन ए, जल प्रदूषण कारण है अम्ल वर्षा का। अगला प्रश्न है 2010-11 में निम्नलिखित में से कौन भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार था? 68 नंबर होगा ऑप्शन बी, चीन। अगला प्रश्न है 69 नंबर, ध्वनि प्रदूषण का प्रमुख स्रोत क्या है? ध्वनि प्रदूषण का प्रमुख स्रोत क्या है? ऑप्शन डी, में से सभी, अर्थात उद्योग, मोटर वाहन, लाउड स्पीकर, सभी ध्वनि प्रदूषण करते हैं। इसके साथ साथ वो और भी कई प्रकार के प्रदूषण करते हैं। प्रतिकर्ष और अपकर्ष कारक उत्तरदायी है किसके लिए? ऑप्शन ए, प्रवास के लिए। यह था आपका 70 प्रश्न। आप इस मॉडल सेट को पढ़ लीजिए अच्छे से, आपको बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन होंगे जो इससे ये भी टकराएंगे और इससे रिलेटिव कुछ और क्वेश्चन भी आपको आ सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत धन्यवाद।